सा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब विंडोज़ कितने कितने किस्म के थे, विंडोज़ कितने चल गए, अब कौन से चल रहे हैं, आगे कौन से आएंगे, या इस वक्त लेटेस्ट विंडो कौन सी चल रही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ फैमिली ऑफ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। क्या है, किसने बनाया इसको, विंडोज़ को? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वालों ने। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, जल्दी चलें छोड़ें उसको। बिल गेट्स इस कंपनी का जो है वो मालिक है माइक्रोसॉफ्ट का। आज उसकी कंपनी जो है वो ट्रिलियंस में जो है वो खेल रही है, अरबपति खरबपति पता नहीं कितने जो है उसके पैसे हैं। अच्छा, डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एंड प्रीमियरली टारगेटेड टू इंटेल आर्किटेक्चर। इंटेल भी एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है? प्रोसेसर्स बनाती है इंटेल कंपनी। ठीक है, यह भी अमेरिका की कंपनी है। तो इंटेल को इन्होंने ख़ास तौर पर टारगेट किया क्योंकि उसके जो सॉफ्टवेयर बनने थे उनका ज़्यादातर कनेक्शन वेब के साथ होना था। क्या कनेक्शन? ठीक है, कंप्यूटर विच एन एस्टिमेटेड 88.9% टोटल यूजेज शेयर ऑन वेब कनेक्टेड कंप्यूटर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज़ बनाई, जो चीज़ें बनाई, उन्होंने इंटेल को टारगेट करते हुए बनाया कि इंटेल का जो प्रोसेसर है वो एक अच्छा प्रोसेसर है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। इससे पहले जो प्रोसेसर आते थे वो बड़ी साइज़ में होते थे, उनको हम माइक्रो प्रोसेसर नहीं कहते थे, सिर्फ प्रोसेसर कहते थे। वो कहलाता था स्लॉट प्रोसेसर, एक बड़ी सी स्लॉट होती थी उसके अंदर, ऐसे लगता जैसे रैम कभी लगाई है किसी ने, इसी तरीके से वो बड़ी सी स्लॉट होती थी, उसमें वो प्रोसेसर लगता था, उसे हम स्लॉट प्रोसेसर कहते थे। उसके बाद चिप प्रोसेसर आया जो एक छोटे से सॉकेट में लगता है। सबसे पहले इन्होंने पिनों वाला एक प्रोसेसर बनाया था, पिनें लगती थी। आजकल पिन लेस प्रोसेसर है, उसमें पिनें भी नहीं है, बस आपने उसके सॉकेट के अंदर रख देना है और आपने उसको जो है वो लगा देना है। माइक्रो प्रोसेसर, इसकी जो स्पीड होती है वो हर्ट्स पर होती है। किस पर होती है? हर्ट्स पर। क्या हुआ? इसकी जो स्पीड है वो किस पर आती है? हर्ट्स पे जो है वो आती है, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, इस तरीके से। ये फिर आगे टॉपिक आएगा इंशाल्लाह जीबी एंड टीबी का, तो इसमें हम हर्ट्स और मेगा हर्ट्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मिल्कीती ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ख़ानदान है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डिज़ाइन किया है और बुनियादी तौर पर इंटेल आर्किटेक्चर पर मबनी कंप्यूटर को निशाना बनाया गया, जिसका तखमीना 88.9% वेब कनेक्टेड कंप्यूटर्स पर है। ठीक है, विंडोज़ कौन कौन से थे? देयर आर मैनी वर्जन ऑफ विंडोज़ लाइक विंडोज़ 3.0। पहली विंडोज़ आई थी 3.0, बहुत ही लो ग्राफिक, बहुत ही मुश्किलात, बहुत ही चीज़ें, क्योंकि स्टार्ट था। क्या था? स्टार्ट था, चीज़ें नई नई थी, बड़ा जो है वो परेशानी होती थी, बड़ी मुश्किलात होती थी। उसके बाद विंडोज़ 3.1, उसका अगला वर्जन आया, फिर आया विंडोज़ 95। ये जो विंडोज़ 3.0 थी ये तकरीबन 85 में आई थी, फिर उसके 10 साल बाद जो है वो 95 विंडोज़ आई। उसका थोड़ा सा ग्राफिक अच्छा था, उसमें चीज़ें कुछ देखने लायक थी। उसके बाद विंडोज़ 98 आया, और 98 तकरीबन जो है वो सन 99 से लेकर 2003-4-5 तक जो है वो 98 चलता रहा है, क्योंकि सिस्टम बेस्ड हमारे पास जो सिस्टम आते हैं वो यूज सिस्टम आते हैं ज़्यादातर, वहाँ से जो उठा के फेंकते हैं वो हमारे पास ले आते हैं। तो हम वो ग्राफिकली चीज़ें, वो जो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली उनके पास आ जाते हैं, हम उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, हम उनको उनकी जो चीज़ें सपोर्टेड हैं वो हमारे पास नहीं होती। तो ये 98 विंडोज़ जो है तकरीबन 2005-06 तक, इवन के 10 तक भी किसी लोगों ने चलाया कि 2010 तक विंडोज़ 98 ही इस्तेमाल करते रहे हैं। उसके बाद आ गया विंडोज़ मिलेनियम, जो कि कामयाब नहीं हो सका था, सेम विंडोज़ 98 की तरह था, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं था। विंडोज़ 2000 ये भी इतना कामयाब ना हो सका, लेकिन ये नेटवर्किंग के जो काम होते थे उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता था, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी।
उसके बाद 2002 में आया था विंडोज़ एक्सपी। क्या आया था? विंडोज़ एक्सपी। और विंडोज़ एक्सपी बहुत देर तक चला है, 2012-13 तक तकरीबन जो है वो एक्सपी चलता रहा है। उसके बाद विंडोज़ विस्टा आया। क्या आया? विंडोज़ विस्टा। अब एक्सपी, अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बता देता हूँ। विंडोज़ 98 की जो कैपेसिटी होती थी, मतलब जो जगह घेरता था, वो 300 से 350 MB होते थे। कितने? 300 से 350 MB। एक्सपी जब आया तो एक्सपी ने घेरना शुरू किया 700 MB। पहले हार्ड ड्राइव कितनी होती थी? 1.5 GB की हार्ड ड्राइव होती थी। कितनी हार्ड ड्राइव होती थी? 1.5 GB की हार्ड ड्राइव होती थी। और आजकल आपके पास तो USB जो है वो 256 GB की आ गई है। फ्लॉपी होती थी जिसमें इसकी क्या होती पता है, 4.4 MB, 4.4 MB का डेटा उसमें आता था। वो फ्लॉपी लेने के लिए हम बड़ा तरस रहे होते थे जी, फ्लॉपी लें, इससे हम डेटा निकालें, अपनी 2-3 तस्वीरें डालें। वो तस्वीरें भी बड़ी लो होती थी, मतलब क्वालिटी उनकी लो होती थी। ठीक है, तो एक्सपी घेरती थी तकरीबन 700 MB। उसके बाद विस्टा जब आ गई तो विस्टा नाकाम इसलिए हुई कि विस्टा एट अ टाइम आते ही उसने 5 से 5.5 GB जो है वो घेरना शुरू किया। अब लोगों की हार्ड ड्राइव भी टोटल 2 GB 2.5 GB की हैं, वो विस्टा इस्तेमाल, अगर किसी की 10 GB भी होती तो आधी हार्ड ड्राइव वो घेर लेता था, उसके बाद सिस्टम स्लो हो जाता था। अमूमन ऐसा होता है, जितनी बड़ी हार्ड ड्राइव है, जितना डेटा आपका ज़्यादा उसमें आएगा, तो जितनी हार्ड ड्राइव भरती जाएगी सिस्टम आपका स्लो होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हुआ यह कि विंडोज़ 7 आई। विंडोज़ 7 भी तकरीबन 7 से 7.5 GB घेर लेता है। ठीक है, लेकिन विंडोज़ 7 जब आया उस वक्त हार्ड ड्राइव थोड़ी सी रेट कम हो गए और बड़ी से बड़ी हार्ड ड्राइव 40 GB की आम हो गई थी। मतलब हम जब होते थे तो हम कहते थे जिसके पास 40 GB है ये तो बड़ा अमीर बंदा होगा भाई। पेंटियम 4 एक सिस्टम होता था, पेंटियम 4 का तो हम नाम सुनते हो भाई, वो तो 50,000 रुपये का सिस्टम है, और 50,000 सुनने में उस वक्त बहुत बड़े लगते थे भाई। आज तो कुछ भी नहीं है वो, दोबारा लगता। विंडोज़ 8 जो है वो ज़्यादातर लैपटॉप्स में आई है, सिस्टम में बहुत कम चली है। 7 आज तक चल रही है और आगे भी जो है वो, क्योंकि इसका ग्राफिक भी अच्छा है, नॉर्मल है। अब तो नॉर्मली जो आप हार्ड ड्राइव लेने जाते हैं वो 80 GB, 160 GB या 250 जो है वो GB की होती है, तो उसमें ये 7 बड़े आराम से आ जाता है और चलता भी बड़े अच्छे तरीके से। विंडोज़ 8.1 है, ये इसका अपडेट आ गया था। विंडोज़ 10, इस वक्त मेरे पास जो लैपटॉप में चल रही है विंडोज़ 10 है, और अब जो लेटेस्ट आई हुई है वो विंडोज़ 11 है। कौन सी है? विंडोज़ 11। तो ये आपके सारे विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चले हैं। ठीक है जी।